अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। आई हैव सम ग्रेट न्यूज़ फॉर यू गाइस। पाकिस्तान आ रहा है यूके पूरे सितारों की पंडाल लेके। नाइन्थ हम अवार्ड्स होने जा रहे हैं एट ओवो अरीना वेम्बली लंदन। यू डोंट वांट टू मिस द बिगेस्ट नाइट ऑफ द ईयर। इट्स गोइंग टू बी इनक्रेडिबल परफॉर्मेंसेस। सो जॉइन मी फॉर दिस स्पेक्टेकुलर इवनिंग फिल्ड विद लाफ्टर एंड फन एंड सॉन्ग एंड डांस विद योर फेवरेट स्टार्स। 28th ऑफ सितंबर एट ओवो अरीना वेम्बली। आई एम सुपर एक्साइटेड टू होस्ट यू ऑल एंड सी यू ऑल वेरी सून। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गेट योर टिकट्स राइट नाउ at www.hum.tv. See you all there. Daniel Properties Dubai presents Kashmir 9th Hum Awards at the OVO Arena Wembley on Saturday, 28th September 2024. Book your tickets now. www.hum.tv www.axs.com/UK. मेरा फेवरेट बच्चे का तो दूंगी। आज तो सारा ही बच्चे का फेवरेट है, नहीं छोड़ता वो। बच्चे का तो दूंगी। आज तुम्हारा बेचारा नहीं आ रहा, वो वीकेंड पे ओवरटाइम काम कर रहा है, ये बताने आई थी तुझे। अब क्या करोगे? यही करूंगा जी जो कर रहा हूँ, पौधों को पानी दूंगा जी। हाँ, ऑफिस मेरा जी बस मशीन ही मशीन है। इंसान कंप्यूटर पे चढ़ा हुआ है, कंप्यूटर इंसान पे चढ़ा हुआ है। एक पौधा नहीं है जी ऑफिस में। तुम्हें गुस्सा तो बहुत आया होगा ना मुझ पर? नहीं जी, कयामत दूर है अभी। इब्राहिम चलो तुम्हारे ऑफिस चलते हैं, मैं उनको बताती हूँ कि मेरी वजह से मैंने तुम्हें मजबूर किया था। मिन्नतें कर लूँगी, हाथ जोड़ लूँगी उनके आगे। आ जाओ चलते हैं। नहीं जी, उस नौकरी की इतनी कीमत नहीं है जी कि आप किसी के आगे हाथ जोड़े हैं भीख मांगे। इब्राहिम चलो ना प्लीज, मुझे बुरा लग रहा है बहुत ज़्यादा। आलिया जी, मैंने क्या कमा लेना था उस नौकरी से जी? जो कमा लेना था वो आपने यकमुश्त अदा कर दिया मुझे। एक बात कहूं जी, मैं भी आपके बगैर नहीं रह सकती, ना ही एक दिन, ना ही एक घंटा और ना ही एक सेकंड जी। अनीता, तुम्हारे मेहमान आए हैं, कॉमन रूम में बैठे हैं। अच्छा। जी कैसी हो अनीता? और चाहिए हो तो बोल सकती हूँ। मेरे लिए तो एक ही काफी होता अगर मुझे उन दोनों के बारे में कुछ पता होता। दूसरे उन दोनों के लिए? अगर आलिया को पैसे चाहिए होते वो एक कंगाल के साथ दरबदर क्यों हो रही होती? उसको बोलो उस लड़के को छोड़ के अपने भाई की तरफ रहे, मैं भी इससे कोई ताल्लुक नहीं रखूंगा। लोगों के मुंह खुलने लगे हैं, 2-4 महीने में इलेक्शन है, पायन की पोजीशन बहुत खराब हो जाएगी। तलाक का मसला तो औरत को होता है, मर्द को क्या मसला है?
इलेक्शन के बाद तलाक का भी ऐलान कर देंगे, क्यों पायन? तुझे मेरे शहीद बाप का वास्ता बता दे। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे वो मेरे घर में बैठी हुई हैं। अगर ऐसा होता मैं ज़रूर आपकी मदद करती। मदद तो आप ज़रूर करेंगी। ये ऑप्शन आप मेरे माँ बाप पर भी इस्तेमाल कर चुके हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ऑप्शंस मेरे पास और भी हैं जो कि तुम जानना नहीं चाहोगे। मुझे अंदाज़ा है चौधरी साहब, मगर आप कि मैं आप कोई मदद नहीं कर सकती। मेरा मशवरा ये है कि आप उन्हें उनके हाल पर रहने दें और अपनी डिवोर्स को पब्लिक कर दें, वरना ये काम वो खुद करेंगे। पब्लिक पब्लिक करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है सिवाय रसवाई के। अब आप बताएं चौधरी साहब, और कितने ऑप्शंस हैं आपके पास? डर नहीं लगता तुझे? तुम लोग हो ना डरने के लिए। अब ये हो गया तलाक का सबूत, अब तुम दोनों को मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, बहुत ज़रूरी है। आंटी आप आलिया को बोलें, फिर ही वो सुनेगी ना। आंटी कितने? जी आंटी आपने बुलाया? आलिया ये लड़कियाँ कुछ करना चाहती हैं। आलिया तुम्हारी और इब्राहिम की शादी कैसे हुई थी? बताया तो था मैंने। क्या मतलब? कोई मेहंदी बारात, कोई धूम धड़क्का, भंगड़ा शंगड़ा कुछ भी नहीं हुआ? नहीं, लेकिन हम सब वो करना चाह रही हैं। तो मुझे क्यों देख रही है? आंटी का प्लान है। आलिया ये मुझ बुढ़ी घोड़ी को ना लाल लगाम डालना चाहती है। मैंने तो इनसे कहा है कि मैं अपनी जवानी आलिया में देखती हूँ। ऐसे ही मैं तुम्हारे अंकल का हाथ पकड़ कर शहर आई थी और ये सारा सेटअप किया। आंटी और अंकल की 30th एनिवर्सरी है, हम लोग को शुगर मेला करना चाह रहे हैं, मगर ये लोग फिर से दूल्हा दुल्हन बनने को तैयार ही नहीं है। सब अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं ना, तुम दोनों भी अपना हिस्सा डालो। हिस्सा मतलब हम दोनों कैसे हिस्सा डालें? आलिया ये सब हॉस्टल की लड़कियों को प्यार हो गया है तुम्हारे प्यार से, और मुझे तो सिर्फ बहाना बना रहे हैं। सिर्फ तुम्हारी मेहंदी करेंगे, ढोलक शोलक वगैरह रसम? नहीं 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 नहीं, रसम कैसे? क्या मसला है सर, क्यों तक करें आदेश जी को? क्या कह रही थी तुम? एक बार फिर बोलो। नहीं रह सकती ना मैं तुम्हारे बगैर। एक दिन, एक घंटा, एक मिनट भी नहीं। यारा तेरे बिना मेरा दिल नहीं लगता, प्यारा तेरे जया कोई होर ना लगता। जिथे भी होवा मैं तेरा जाने या खुदा जाने।
अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम भाई। अरे जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? मैं ठीक हूँ इब्राहिम भाई। इब्राहिम भाई रात को तो फिर बड़ा ही मजा आया जी। हाँ जी। सारे ही खुश थे जी, और मुझे तो पता ही नहीं था आपको भी डांस आता है। अरे कहाँ जी, कहाँ नाचना आता है जी, वो तो सबने जबरदस्ती कर दी, तो थोड़ा बहुत कर लिया जी, वरना। इब्राहिम भाई याद आया, वो आपसे ना कोई मिलने आया है। मुझसे जी? हाँ जी। कौन? को मौलवी है, नीचे ही खड़ा है, क्या नाम था? मौलवी मौलवी गुलाम रसूल। हाँ मौलवी गुलाम रसूल नीचे ही खड़े हैं। नीचे? हाँ जी। आप उनको बोले मैं आ रहा हूँ जी। जी ठीक। आलिया जी, आलिया जी, कहाँ जी? मौलवी सलाम अलैकुम जी। वालेकुम सलाम इब्राहिम साहब। हाँ जी मौलवी साहब कहाँ जी? वो गली के नुक्कर में हैं। तो उनको बुला लेना जी ऊपर। नहीं नहीं वो वहाँ बैठे थे गाड़ी में, आप आ जाएं उधर मिल लेते हैं। आ जाएं बॉस, आ जाएं, गाड़ी में बैठे हैं, कोई मसला नहीं। अरे ऊपर ले आते जी, ऊपर आराम से। गाड़ी मुड़ नहीं रही थी ना, ये गली बहुत तंग है। अच्छा अच्छा, वो कोई मसला नहीं, आप लेट्स होके आएँ। तो कब से आए थे मौलवी साहब? ये बस अभी 5 मिनट पहले आए थे। अच्छा। हाँ जी। क्या आए, किधर है? पुलिस चल गाड़ी में बैठ, ये नहीं कर सकते। बैठ गाड़ी में बैठ, चलो जाने दो। आलिया बाजी। हाँ मौला दाद। इब्राहिम भाई को पुलिस पकड़ के ले गई है। खुफिया वाले लगते हैं।
खुफिया वाले कहाँ से आ गए? ये तो तुम्हें पता होगा, तुमने गारंटी दी थी उन लोगों की। उसी ने किया, शबीर के अलावा कौन हो सकता है? शबीर किस तरह पहुंच गया यहाँ तक? कौन शबीर? जैसे तेरे कॉल सेंटर तक पहुंचा था अनीता। भाई हमें भी तो बताओ, यहाँ से बंदा अरेस्ट हुआ है, कल को तफ्तीश के दायरे में हमने भी आना है। आप लोगों को कुछ नहीं होगा। कैसे कुछ नहीं होगा, अरेस्ट तो वो यहीं से हुआ है ना। मैंने गारंटी दी है ना। देख लिए तुम्हारी गारंटी, लड़कियों के हॉस्टल पे जब पुलिस के छापे पड़ेंगे तो कौन भेजेगा अपनी बच्चियों को यहाँ? मैंने तुम्हें मना किया था। बस कर दे आप लोग, यहाँ पूरा का पूरा बंदा उठ गया है, आप लोगों को अपने कारोबार की पड़ी है, कुछ खुदा का खौफ कर ले प्लीज। हेलो फौजी यार, कैसी है तू यार? थोड़ा मसला पड़ गया है। हेलो फौजी। हाँ हाँ हाँ, वहीं की पुलिस मोबाइल थी, कंफर्म। अच्छा अच्छा, ठीक है मैं तुझे बताती हूँ। ओके, शबीर ही है। चलिए मौलवी साहब, SHO साहब नु सलूट। जिंदाबाद। जो हिसाब ना करें, ये तुम्हारी ड्यूटी है। क्या बात है आपकी, क्या बात है। मौलवी साहब आए, बैठे आ जाए जनाब। वाह जी वाह, वाह जी वाह। कहां से मिला है बेशर्म फिर आपको? कुछ ना पूछा जोर सर, बड़ी मुश्किलों से मिला है। यूं समझेंगे पूरे शहर की CID हमने इसके पीछे लगाई है, जमीन खोद के निकाला है उसको। ओ खैरा भाई खैरा, अकेला ही मिला फिर? ना करें चोरी साहब, एक चंदे की इतनी सी पेटी के पीछे पूरा गैंग थोड़ी होगा। नहीं नहीं, आप ही ने कहा था ना कि हो सकता है कि इसके पीछे कोई और भी लोग हों, तो इसलिए पूछ रहा था। देखते हैं अभी, छितर छितर फेर के देखते हैं किसका नाम लेता है। मौलवी साहब मैं तो कहता हूँ आप जरा बात करके देखें, कान शान मरोड़े, क्या पता शराफत से बता दे। मस्जिद का मामला है, बात दब जाएगी। क्यों ऐसे चो साहब, क्या कहते हैं ऐसे चो साहब? बच्चा है साहब। लेकिन भट साहब मानूंगा मैं ये बात, क्या काम किया आपने, मिला कहां से? रफाकत, भाई चोरी साहब का बंदा पेश करो उनके आगे। अच्छा तो आप बता रहे थे कि कहां से मिला? आप आम खाएं चोरी साहब, पेड़ क्यों गिनते हैं? अरे किसी मस्जिद मसीद में छुपा होगा। हैं चोरी साहब, ये समझ लें कि हमने गैर कानूनी तौर पर उठाया उसको अपनी हदूद से बाहर जाके,
एक तरीके का गवाही किया, इसलिए आप मस्जिद मसीह थी समझ, हमने गिरफ्तारी में भी यही दर्ज किया। खैर आ वही खैर, जिंदाबाद। जा जाके चाय पानी कर करा, हाँ और थोड़ा टाइम लगा कर रही। शाबाश। वो आलिया कहाँ है? मैं पैसा, मैं बात करता हूँ। पुत्र चोरी साहब को सब मालूम है, तुमने जो कुछ किया उसको तो उनकी इमा पर किया, उसकी ख्वाहिश उसकी फरमाइश पर जो तुमसे गलती सरजद हुई है ना पुत्र, चलो अब उसको सुधार लो। इब्राहिम पुत्र, शाबाश पुत्र। मैंने कुछ गलत नहीं किया मौलवी साहब, मैंने जो भी किया उसमें मेरी रजा शामिल है। बेटा हमने चौधरी साहब को जबान दिया, ये तो मंदिर में खयानत है। अगर ज़बान ईमान के खिलाफ दी जाए इसमें रूह गर्दारी की जा सकती है। इनका मामला गैर शरई है। कितनी दफा तुझे कहा है मुझे फिक्र ना पड़ाया कर, समझ आई तुझे? मैं बात करूं या फिर चला जाऊं? समझाए इसको मौलवी साहब, समझाए इसको। मैं समझाता हूं पुत्र। अरे पुत्र जो होना था वो हो चुका, और कोई ना कोई सूरत तो निकालनी है बेतरीके के। नहीं बेटी की सूरत निकल आई है मौलवी साहब, मैं और आलिया आपस में। मैं आलिया का नाम अपनी जुबान से लिया कैसे? वो चौधरी शबीर की औरत है, उसके साथ चश्ती है तो जैसे नाली के कीड़े के साथ है। जो होना था पुत्र वो हो चुका। ओ पुत्र तुम दोनों का कोई जोड़ नहीं है, तुम खाम अपने लिए परेशानी का सामान कर रहे हो। मैं और आलिया आपस में खुश हैं। ओए तेरी खुशी क्या है? तेरी खुशी दो वक्त की मांगी हुई रोटी बस। पता नहीं वो बेचारी कहां कहां से मांग कर तुझे खिला रही होगी बगैरत। जिद में अपने आप को दर्द बदर कर दिया उसने अपने आप। मैं नहीं समझता जो तू बोला झूठ है, ये निधानी है। अगर आपको यकीन नहीं है मौलवी साहब चले मेरे साथ। चलो 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 मौलवी साहब, जल्दी चलो जल्दी चलो। आप नहीं चौधरी साहब, आप नाम है रमोस के लिए, उसकी इजाजत के बगैर नहीं। तुझे क्या लगता है कि मुझे तेरी तलाक की जरूरत है? तू सारी जिंदगी इसी काल कोठरी में मरेगा, और वो सारी जिंदगी बर्तन धोएगी इसी ना मैडम के। आपको क्यों नहीं बात समझ आ रही चौधरी साहब? आज आपसे डर नहीं लग रहा, तरस आ रहा है आप पर। चोरी साहब मुझे लगता है आपका गुस्सा जलती पर और तेल डाल रहा है। जो मामला जिस बात में उलझ गए हो वो अफहम तफहीम से सुलझाए जाते हैं। एक एक मौका तो दे, मुझे उस खातून से मिलने नहीं दे ताकि कुछ सूरत नजर आए मुझे। चोरी साहब सिरा मिल गया मुझे, गुंजन निकालने के लिए हौसले से काम लेना पड़ेगा। जी जॉर्ज साहब, बनी कुछ बात?
लड़का मान गया, बस अब वसूली करनी। वेरी गुड, ये तो अच्छी बात है। बच्चा है जी, गलती हो गई, कर लेगा खुद को ठीक। बंदा बशर है जी, गलती हो ही जाती है। सही है, बिल्कुल ठीक है जी। मौलवी साहब अपना पर्चा वापस लेने को तैयार है। अच्छा, कर देते हैं वापस जी मौलवी साहब का पर्चा, बिल्कुल कर देते हैं। लेकिन लड़का हम अभी वापस नहीं कर सकते, उस पर एक पर्चा और भी है। किस चीज का पर्चा? चोरी का पर्चा। चौधरी जुबैर ने भी उस पर पर्चा करवाया हुआ है कि इब्राहिम ने उसके घर से भी कुछ चुराया। तुम लोगों ने बस शोर मचाना है चौधरी शब्बीर के नाम का, किसी तरह उसकी पार्टी को यह पक्का करवाना है कि टिकट चौधरी शब्बीर को मिली तो समझो जीत पक्की है। ओ क्यों चौधरी साहब, हम क्यों दुश्मन का किला अपने हाथ से मजबूत करें? रेत का किला जितना भी मजबूत हो, रेत का ही तो है। नहीं चौधरी साहब, बड़े जज्बात भड़काए हैं उसने लड़के लफंगों के, इतना कमजोर नहीं समझना उसको। रिलैक्स हो जा, बड़े मजबूत पत्ते हैं मेरे हाथ में, वक्त आने पे शो करूंगा। छोड़ साहब, आपसे मिलने मौलवी गुलाम रसूल आए। आप लोग जारी रखो, मैं आता हूं बस। भाई गाना तो तुम बहुत अच्छा गाते हो, बहुत अच्छा गाते हो, मज़ा आ गया। ऐसे सुर साज ऐसे बराबर, बिल्कुल। अजान भी बड़ी अच्छी देते थे, सुनते थे हम यार रोज़ 5 टाइम। तुम अगर ये गाना ना गाते ना तो मैं कभी तुम तक ना पहुंच सकता। इस गाने से मैं पहुंचा तुम्हारे होटल, वहां से कॉल सेंटर, और वहां से तुम्हारे हॉस्टल। तुमने कहीं इस गाने की वजह से मौलवी साहब को तो नहीं छोड़ा है? हाँ नहीं, लोग भी कहते हैं कि मामला कुछ और है, कोई वड्डा ही रोला लगता है। तुम बताओ कितना वड्डा रोला ये? चाय तो पियो, उठाओ चाय पियो, पियो पियो। चाय ठंडी हो रही है, गर्म चाय से ना गला थोड़ा ठीक रहता है। पियो। ये बताओ कि तुम्हारा और चौधरी शब्बीर का मसला क्या है? हैं? चोरी नहीं की सर। है क्या? चोरी नहीं की सर। और तो मुझे भी पता तुमने चोरी नहीं की, फिर भी यहां बैठे हुए। कोई तो गल है ना, क्यों, क्या क्या चक्कर है? मुझे नाराज हो गए जी चौधरी साहब किसी बात पे। नाराज हो गए चोरी साहब किस बात पे? मैं पूछ रहा हूं किस बात पे नाराज हुआ है चोरी शबीर? अल्लाह इंसान पे पर्दा रखता है साहब, इंसान को भी इंसान पे पर्दा रखना चाहिए। देखो इस पर्दे के चक्कर में तुम्हें लंबा ही रगड़ा लग जाएगा, 7-8 महीने तो कितने नहीं गए। मेरी बात नहीं समझ रहे यार, सिर्फ ये बता दो कि तुम्हारा और चौधरी शब्बीर का मामला क्या है, बस फिर मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूं
जहां से तुम आए हो खैर खैरियत से इन वन पीस। मैं जानता हूं मौलवी साहब वो चोर नहीं है। फिर चोरी साहब आपने उसके खिलाफ पर्चा क्यों करवाया? ये तो आप भी जानते हैं मौलवी साहब वो चोर नहीं है। फिर आपने पर्चा क्यों करवाया उसके खिलाफ? ओ गुम हो गया था जी, छोड़ के चला गया था मुझे। नहीं मौलवी साहब नहीं, अब ऐसे कैसे चलेगा? आप मुझे सच बताएंगे तो मैं गौर करूंगा ना इस पे। आप उस मासूम पर रहम करें, मैं सारी उम्र आपका दुआगो रहूंगा। हाँ बात तो आपकी ठीक है, दुआएं जरूरी होती हैं, लेकिन हमें दुआएं नहीं चाहिए ना, सिर्फ वोट भी तो चाहिए होते हैं। माफी चाहता हूँ, मैं एक मीटिंग छोड़ के आपसे मिलने आया था, लोग इंतजार कर रहे हैं मेरा। खुदा हाफिज। चौधरी साहब हम क्यों दुश्मन के किले को मजबूत करें? हवालात में कौन कौन है हमारे पास? सर शहजाद सरवर और मिठू हैं। इनमें से ड्रामेबाज कौन है? सरवर है सर, हाथ लगाए तो आसमान सर पर उठा लेता है पर मानता नहीं। ठीक है, ऐसा करो उसको ले जा के जरा इस लड़के के सामने चित्र फेरो। जी सर। ओके सर। उसकी बीवी आई है साहब। किसकी? इब्राहिम। बीवी? यही कह रही है साहब। चंदे की इस पेटी से क्या क्या निकल रहा है, भेजो। साहब जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं इब्राहिम का पूछने आई हूँ, क्यों गिरफ्तार किया आप लोगों ने उसे? आप क्या लगती हैं उसकी? शौहर है वो मेरा। हमें तो पता चला कि वो गैर शादीशुदा। जुर्म क्या है उसका? शादी कब हुई तुम दोनों की? 2 महीने और 11 दिन हो गए। चौधरी शबीर को जानती हैं? जी बिल्कुल जानती हूँ। उसका इब्राहिम के साथ क्या मसला है? उसका क्या मसला है इब्राहिम के साथ, वही पूछने आई हूँ मैं भी। बात करने के लिए किसने भेजा था आपको मौलवी साहब? गिरफ्तार पकड़ना चाहिए था आपको उसका। बहुत बड़ी ताकत है आपके पास। मेंबर की ताकत। किसने का मेंबर ताकत होता? मेंबर एक इमानत है। मैं पहले ही एक बेईमानी की पशेमानी में गर्क। सब बर्बाद कर देगा, सब खाड़ के फेंक देगा, वो बर्बाद कर देगा मुझे। अभी भी तौबा का दरवाजा खुला चौधरी साहब, उससे रजू कर ली। आपको इब्राहिम की जरा भी परवाह नहीं? उसको अल्लाह ने गिबा। अल्लाह अकबर।
हाँ बट साहब, इब्राहिम की बीवी बैठी है मेरे थाने में, मिलना चाहती है आपसे। बंटी, बंटी, धमाका हो गया है। आलिया पुलिस स्टेशन पहुंची हुई है और कह रही है कि वो इब्राहिम की बीवी है। तो मैं तो सोच रहा था बम फटेगा, यहाँ तो एटमी धमाका हो गया। तुम इसमें से निकल जाओ। उसकी गर्दन मेरे शिकंजे में आई है और तुम कह रही हो गर्दन काटनी है तो मैदान में काटो ना, घर में घुस के नहीं। कल तक तो तुम आलिया को गालियां दे रही थी और आज तुम भी गाली दो, जितना दिल चाहे गाली दो, मगर मेरे सामने, बाहर सड़क पर, चौक में या इस फोन में नहीं। सियासत करो जुबैर, नीच हरकतें ना करो। तो क्या हो गया तुम्हें? ठंडा पानी पियो, होश करो। आलिया का वाकई इब्राहिम से निकाह हो गया है। उसका फोन आया था मुझे बबली के बारे में पूछने के लिए।